चट्टानों का हम मोड़े मुंह तूफानों का, हम बांधे पुल दरियाओं पर, हम आबे रवा सहराओं पर, दीवार भी हम रफ्तार भी हम, मेमार भी हम तलवार भी हम इल्म हुनर हम तीर कमा, हम हरकत बरकत अस्करिया, हम हरकत बरकत अस्करिया। रूहे रवा नस्बुल ऐन है कोर ऑफ इंजीनियर्स का। कोर ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तानी फौज के दूसरे दस्तों को रवा दवा रखने का अहम फरीजा अंजाम देती है। कोर ऑफ इंजीनियर्स को उर्फ़े आम में सेपर्स कहा जाता है। किसी भी फौज की लड़ने की इस्तेदाद मौसर और मरबूत बनाने में सेपर्स अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान बनने पर इंजीनियर्स के चंद दस्ते पाक फौज को मुंतकिल हुए, जिन्होंने रॉयल पाकिस्तान इंजीनियर्स के नाम से अपने फराइज अंजाम देने शुरू किए। बाद में रॉयल पाकिस्तान इंजीनियर्स का नाम तब्दील करके कोर ऑफ इंजीनियर्स रख दिया गया और इसका नस्बुल ऐन भी लातीनी लफ्ज युबीक से तब्दील करके रूह रवा कर दिया गया। दौरान जंग इंजीनियर्स की चार अहम जिम्मेदारियां होती हैं। अव्वल, फौज की हरकत पजीरी बढ़ाना। दोम, दुश्मन की हरकत पजीरी में मजाहमत पैदा करना। स्वयं, फौज की बका में मदद देना। चहारम, जरूरत पड़ने पर पैदल फौज की तरह लड़ना। जंग और अमन दोनों में सेबर्स का किरदार कलीदी है। कहीं उन्होंने देवहकल कले तामीर किए तो कहीं अजीम जर्नेली सड़क बनाकर तारीख के औराक में अपना नाम रकम किया। फौज में अहम जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने के लिए कोर ऑफ इंजीनियर्स के जवानों को तरबियत के कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है। इंजीनियर सेंटर रिसालपुर ये अहम काम सर अंजाम दे रहा है। क्याम पाकिस्तान के बाद रॉयल पाकिस्तान इंजीनियर सेंटर सियालकोट में जवानों को तरबियत दी जाती थी। 1952 में इंजीनियर सेंटर रिसालपुर मुंतकिल कर दिया गया। सेंटर में जवानों को जंगी तरबियत के साथ साथ हरबी इंजीनियरिंग के जुमला असरार रुमूज से आगाह किया जाता है। की मदद से अभी एक बार तार को ठीक टाइट करके लगाना है। अहम जिम्मेदारियों की नौयत के मुताबिक कोर ऑफ इंजीनियर्स के हर जवान को तरबियत के कठिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, ताकि अमली जिंदगी में हर जवान अपनी पेशावराना सलाहियतों को उजागर कर सके। इंजीनियर्स और बारूद दो लाजिम मलजूम चीजें हैं, इसलिए बारूद के मुख्तलिफ इस्तेमाल सेंटर में जवानों को सिखाए जाते हैं। इंजीनियर्स के लिए एक अच्छा सिपाही होने के साथ साथ एक अच्छा हुनरमंद होना भी लाजमी है। वर्कशॉप में हुनरमंद स्टाफ की जेर निगरानी जवानों को मुख्तलिफ ट्रेड्स की बुनियादी तरबियत दी जाती है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के अफसरान को इंजीनियरिंग की खसूसी तरबियत मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में दी जाती है। क़याम पाकिस्तान के बाद यह फरीजा स्कूल ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सियालकोट सर अंजाम देता रहा। 1952 में इसे रिसालपुर मुंतकिल कर दिया गया। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रिसालपुर में हरबी इंजीनियरिंग के कोर्सेज के अलावा 1962 से BSc इंजीनियरिंग की तालीम भी दी जा रही है। कॉलेज में इंजीनियरिंग की तालीम सिलेबस पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों के मुताबिक रखा जाता है। कॉलेज लेबोरेटरियां सिविल इंजीनियरिंग की तालीम के लिए तमाम जरूरी साजो सामान से लैस हैं। 1988 में मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में MSc इंजीनियरिंग का आगाज किया गया। हरबी इंजीनियरिंग में खुद कफालत और ईजाद व इख्तरा के लिए कॉलेज का तहकीक का शोबा मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी रखता है। जमाना जंग में दुश्मन में हरकत पजीरी को रोकने के लिए बारूदी सुरंगें एक अहम हथियार हैं। तहकीक का शोबा मशीनी जराए से बारूदी सुरंगें बिछाने के कई मंसूबों में मसरूफ अमल है। बारूदी सुरंग
बारूद से भरी हुई एक डिबिया होती है जो दुश्मन की पेशकदमी रोकने के लिए जमीन में दबाई जाती है। इंजीनियर्स दुश्मन के मुतवक्क रास्ते में आदमकुश और टैंक शिकन बारूदी सुरंगें जमीन में दबा देते हैं। इंजीनियर्स ये काम जंग शुरू होने से हफ्तों और महीनों पहले शुरू कर देते हैं। बारूदी सुरंगें बिछाना नहायत वक्त तलब और सब्र आजमा काम है। अगर कम वक्त में बारूदी सुरंगें बिछाना मकसूद हो तो फील्ड कमांडर रॉकेट डिलीवरी माइन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। बारूदी सुरंगों को रॉकेट के जरिए फेंका जाता है। इस निजाम के जरिए मिनटों में बारूदी सुरंगें मतलूब मकाम पर जाकर जमीन में पेवस्त हो जाती हैं। इंजीनियर्स का काम जहां बारूदी सुरंगें बिछाना है वहां दुश्मन की लगाई हुई बारूदी सुरंगें तलाश करके अपनी फौज के लिए रास्ते बनाना भी है। बारूदी सुरंगें तलाश करना निहायत खतरनाक काम है। बारूदी सुरंगों के इलाके के एक एक इंच को रात की तारीकी में मखसूस तरीकों से तलाश किया जाता है। सैपर्स अपनी जान की परवाह किए बगैर कम से कम वक्त में ये फरीजा सर अंजाम देकर वतन अजीज के साथी सरफरोशों के लिए रास्ते बनाते हैं। दौरान जंग बारूदी सुरंगों के अलावा दुश्मन ने बहुत सी दूसरी रुकावटें भी बनाई होती हैं। जरूरत पड़ने पर इंजीनियर्स अपने हमलावर सिपाह के शाना बशाना आगे बढ़ते हैं ताकि वतन अजीज के इन जियालों के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर किया जा सके। इंजीनियर खारदार तार और दूसरी रुकावटों को बारूद से उड़ाकर इन्फेंट्री के लिए रास्ता बनाते हैं। दुश्मन के बंकर जहां दुश्मन अपने आप को महफूज समझता है सैपर्स के आहनी शिकंजे से महफूज नहीं। दौरान जंग जरूरत पड़ने पर जज्बे ईमानी से सरशार इंजीनियर्स के जवान और अफसर अपने मखसूस कामों के अलावा दुश्मन के साथ बराह रास्त पंजा आजमाई भी करते हैं। दौरान जंग दरिया नाले और खाइयां फौज की पेशकदमी में रुकावट पैदा करती हैं। ऐसी सूरत में इंजीनियर्स बड़ी बड़ी खाइयों और दरियाओं पर सुबुक रफ्तारी से पुल तामीर करते हैं। पुलों की तामीर नहायत महारत और मेहनत तलब काम है। किसी मकाम पर जरा सी कोताही ताखीर का सबब बन सकती है, इसीलिए पुल बनाने के दौरान हर जवान और अफसर अपनी बेहतरीन मशाकी का मुजाहरा करता है। बड़े पुलों को बनाने के लिए अलहदा अलहदा हिस्सों को नहायत चाबुक दस्ती और तंदही से जोड़कर पुल मुकम्मल किया जाता है। बसा औकात हालात के पेश नजर पुल के कुछ हिस्सों को फेरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि अहम जंगी साजो सामान को दरिया उबूर कराया जा सके। दौरान जंग कलील वक्त में पुलों की तामीर नहायत जरूरी है। कोई भी सेक्टर कमांडर पुलों की गैर मौजूदगी में अपने मंसूबे को अमली जामा नहीं पहना सकता और फौज